अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं EH पाक अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा QR कोड एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, QR कोड क्या होता है? आपने मुख्तलिफ अशिया पर मुख्तलिफ तरीक़ों से बना हुआ QR कोड तो देखा होगा, उसमें उस चीज़ के बारे में डिटेल्स होती हैं। आप अपना भी QR कोड खुद का बना सकते हैं, उसमें आप किसी भी कंपनी की डिटेल्स लिख सकते हैं, किसी भी ईमेल का बना सकते हैं, कोई नंबर, कोई इवेंट्स, किसी के बारे में भी आप जो है वो QR कोड जो है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने QR कोड बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी का भेजा हुआ QR कोड स्कैन करके जानना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें। गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप सर्च बार में लिखें QR कोड एंड बार कोड ऐप सोर्स हब। दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर लिया, तो मैं सिंपली यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपने अलाउ कर देना है, इसके बाद फिर से यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, स्कैन QR कोड, डीकोड फ्रॉम URL, डीकोड फ्रॉम फाइल, सिक्योर स्कैनिंग। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सिक्योर स्कैनिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जो है वो इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए QR स्कैनर सिक्योर स्कैनिंग, तो आपने यहाँ पर इसे ऑन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर अगर आपके पास कोई कोड है तो आप स्कैन फ्रॉम कोड करके यहाँ पर अलाउ करें और यहाँ पर जो है वो अपने कैमरे की मदद से इसको स्कैन कर लें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई QR कोड गैलरी में है तो यहाँ पर आप डी कोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें और जो भी QR कोड है वो आप स्कैन कर लें। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास एक QR कोड है, मैं इसे स्कैन करता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक नंबर है, इसका QR कोड बना हुआ था जो यहाँ पर जो है वो स्कैन होके आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप डायल पर क्लिक करेंगे तो आप इसको नंबर को डायल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, अगर आपने अपना कोई QR कोड क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप सिंपली क्रिएट पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फ़ोन, URL, ईमेल, लोकेशन और कैलेंडर इवेंट, कोई भी जो है वो आप QR कोड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मैं फ़ोन नंबर का जो है वो QR कोड क्रिएट करता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं अपना एक नंबर लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इन कोड पर क्लिक कर दें, आप कॉन्टैक्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नंबर का जो है वो QR कोड बन चुका है। आप सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करें तो ये सेव गैलरी में हो जाएगा। अगर आप इसे स्कैन करके देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर डी कोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर ये आ चुका है कोड, तो आप सिंपली इसको ओपन करें। यहाँ पर देखिए उस नंबर का आ चुका है। इस तरह आप टेक्स्ट के बारे में भी QR कोड बना सकते हैं। ओके तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।